तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन के निधन पर बुधवार को नगर निगम पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में मृत आत्मा के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा कि स्वर्गीय करुणानिधि एक अनुभवी एवं लोकप्रिय नेता थे। इनके निधन से राजनीति को अपूर्णीय क्षति हुई है, इनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है। शोक सभा के दौरान मार्कंडे सिंह, देवेंद्र निषाद, संजय सिंह, असलम परवेज, दिलीप कुमार निषाद, सुरेंद्र प्रसाद चौधरी, मनीष तिवारी, प्रोफेसर आर एन चौधरी, डी एन चौधरी, अजय कनौजिया, उमेश चंद्र खन्ना, अनवर हुसैन, ब्रज नारायण शर्मा, त्रिवेणी गांधी, अनवर हुसैन सहित भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण अग्रहरी ने कहा, आज का एक शोक सभा तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, द्रमुक पार्टी के लगातार 50 सालों तक अध्यक्ष रहे और एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति जिनका कल शाम को निधन हो गया, और इंदिरा जी के निजी सचिव रहे श्री आर के धवन जी जिनका अभी 2 दिन पहले निधन हुआ। इन लोगों के निधन के कारण उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजबब्बर जी के निर्देश पे हम लोग यह शोक सभा आयोजित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करें इस दुख घड़ी को सहने की, और साथ ही में उनके मृतक आत्मा को शांति प्रदान करें।